हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप एक चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे बैंक से रिलेटेड डिटेल के बारे में। जी हाँ, बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है IBPS द्वारा। तो अब जो पद है वो 9000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं इसके बारे में कि नंबर ऑफ पोस्ट कब तक अप्लाई कर सकते हो, किस एज के पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, वेबसाइट कहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी बैंकों के लिए, जो सरकारी बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। IBPS द्वारा पहले जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 8594 पदों के लिए निकाली गई थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 9053 कर दिए हैं। और इसके साथ साथ जो ये भर्ती निकाली गई है वो रीजनल रूरल बैंक द्वारा में निकाली गई है, जो कि क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर निकाली गई है। जी नंबर ऑफ पद आपको बता दें 9053 है। इसमें जो पदों का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 21 जून तक चलेगा, यानी कि 21 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें, एज 21 से 40 साल निर्धारित की गई है। 21 से 40 साल अगर कोई कोई भी पर्सन है तो अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो पद है पद वाइज निकाला गया, जैसे सीनियर मैनेजर की, मैनेजर की और असिस्टेंट की, उसमें एज लिमिट है 21 से 18 से 40 साल के बीच में है, वो आप दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। जी तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर आपको नोटिफिकेशन बताते हैं। जी तो ये था नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। स्केल इसमें जैसे आपको बताया 3 लेवल हैं, जैसे 1 2 3, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर। तो वैसे यहाँ पे लेवल स्केल है 1 2 3। जी तो यहाँ पे ये सब बताया गया है और यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला गया है और नेशनलिटी, एज के बारे में बताया गया है, कैटेगरी के बारे में है और एज रिलैक्सेशन, कितना एज रिलैक्सेशन है वो बताया गया, रिजर्वेशन फॉर द पर्सन, और उसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाली गई है, डिफाइन किया गया है, ये आप देख सकते हो। गाइडलाइंस दी गई हैं, डेफिनेशन दी गई है एक्स सर्विस मैन की, कि कौन सा पर्सन एक्स सर्विस मैन के अंदर काउंट रहेगा। फिर ये बताया गया है EWS के अंडर कौन है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज रिक्वायरमेंट की क्या होना चाहिए। मल्टीपर्पज असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद ऑफिसर और मैनेजर के पद पर ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। एप्लीकेशन फीस वगैरह, अगर जनरल कैटेगरी है तो 850 प्लस इंक्लूसिव ऑफ GST, और SC ST PWD है तो 175। और ये पोस्ट वाइज सेम है लगभग। और यहाँ पे सिलेबस दिया गया, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, इस अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज लैंग्वेज क्या रहेगी वो दिया गया है, अलग अलग पोस्ट वाइज। फिर है कट ऑफ स्कोर, उसके बाद है आपका है एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड डिटेल, इंटरव्यू, फिर आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट का दिया गया है,
और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, फिर कॉल लेटर वगैरह दिए गए हैं, अनाउंसमेंट दी गई है कि कब से कब तक, 1 जून से ये स्टार्ट है, 21 जून तक। पेमेंट की डेट भी सेम है और जो उसके बाद डाउनलोड द कॉल लेटर, ये टाइमिंग वगैरह दिए गए हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सब आप देख सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज के नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ और कितनी निकली है, यहाँ पे ये सब दी गई है। जी तो यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर एग्जामिनेशन सेंटर, फिर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग या एंड अपलोड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। फॉर्म वगैरह ये दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। जी तो ये थी कुछ अपडेट एग्ज़ाम से रिलेटेड या नोटिफिकेशन से रिलेटेड। जी तो अगर आपको एलिजिबल हो या इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर आकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। जी तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।